राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्थाओं को बेहतर चलाने हेतु और संविदा नर्सेज के नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से लगातार संघर्षरत हैं। संविदा नर्सेज इस मांग को पूर्ति करने के लिए राजस्थान सरकार के सामने धरने के माध्यम से, रैली के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से कई बार अपनी बात पहुंचा चुके हैं, लेकिन आज दिनांतक समाधान ना होने की स्थिति में 21 नवंबर को संविदा नर्सेज के द्वारा पद जोड़ो यात्रा जयपुर में निकाली गई, जिसे पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज करके रोका गया और हमारे संविदा नर्सेज के 17 भाइयों के साथ कार्रवाई करके गांधीनगर थाने में बंद किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि आपकी संवेदनशील सरकार में अगर जनता की नहीं सुनी जाएगी और पुलिस प्रशासन के द्वारा इस तरह से क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज करके जो आपने निर्णय लिया वो सरासर गलत है। पूरे राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत के समस्त पदाधिकारी इसकी घोर निंदा करते हैं और भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि बहुत जल्द संविदा नर्सेज को नियमित करने के लिए पद वृद्धि कर 7 से 8 हज़ार पदों पर नर्सिंग ऑफिसर का और 6 हज़ार पदों पर महिला स्वास्थ्यकर्ता का विज्ञापन जारी करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल राजस्थान की समस्त नियमित नर्सेज और संविदा नर्सेज सड़कों पर उतरेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन की होगी। मैं पवन कुमार।